देखो कहता है इन ए रॉम्बस ए बी सी डी सो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बी एज वेल एज डी। ये तुम्हें प्रूफ करना होगा, ये टोटल प्रूफ करना है, एक बार बुक में मिला लो। चलो खैर ये वाला दिया गया है और ये वाला प्रूफ करना है, थोड़ा सा एक और बुक में देखो तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ सही है गलत है, ठीक है। चलो तो देखो किस में कहा गया है, रॉम्बस में। तो हम रॉम्बस एक पहले ड्रॉ कर लेते हैं, बोलो कर लिए। कह रहा है नाम दे दो ए बी सी डी, इसमें बताओ कि डायगोनल अगर ए सी लेंगे तो ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल में बाइसेक्ट करेगा और इसको भी इक्वली बाइसेक्ट करेगा, मतलब बाइसेक्ट का प्रूफ करना है। तो बराबर एंगल प्रूफ करना है, कैसे करोगे, एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो जानते हैं कि ये वाला क्या करता है, बराबर होता है, बोलो होता है कि नहीं। और ये वाला भी क्या होगा, इक्वल होगा, ये भी होगा, बताओ साइड साइड के बराबर और ये दोनों में कॉमन होगा। अब तुम बताओ ये साइड और ये साइड बराबर है तो एस 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 से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। अब ध्यान देना सीपीसीडी से इन डबल वाला के सामने ये वाला एंगल, ठीक है, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये वाला है और इसके सामने वाला ई एंगल, दोनों क्या होना चाहिए सिंपलिसिटी से, इक्वल होना चाहिए ना। तो इक्वल होने का मतलब क्या है कि एंगल ए को बाइसेक किया है किसने, ए सी। यही प्रोसेस इन दोनों में चलना, साइड बराबर है, दोनों में कॉमन है और ये रॉम्बस है तो ये वाला दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंट, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, कोई दिक्कत तो बताओ। ये वाला भी क्या कर दिया, बाइसेक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर दिखे कि एंगल ओ ए बी बराबर मिला ओ ए डी का, इसी प्रकार से यहां क्या मिला, ओ सी बी बराबर मिल रहा है किसका, ओ सी डी का। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि जो एसी डायगोनल था ये बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए एज वेल एज एंगल बी। तो एंगल ए एज वेल एज एंगल सॉरी एज वेल एज एंगल कितना सी, ओ हाँ, ये क्या होगा ऐसे, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट में क्या करो ना, इन दोनों पर सोचना, साइड साइड के बराबर बाइसेक्ट किया था नहीं तो बराबर होता होता ही है, आई दोनों में कॉमन। तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल बराबर होगा तो बाइसेक्ट किया। इसी प्रकार से इन दोनों में चलो, इसके सामने में ये एंगल और इसके सामने में ये एंगल बराबर होगा बाइसेक, तो बता बी को भी और डी को भी क्या करेगा, बाइसेक कर देगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। हाँ कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। कहता है इन ए पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छा मतलब समझ लो, ये अच्छा है मतलब समझ लो कि बी भी हम भी रख सकते हैं। हाँ कहता है इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी पॉइंट एम एंड ए हैव बीन टेकन ऑन अपोजिट साइड, एक अपोजिट साइड पर एम और एन पॉइंट लिए हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली सच दैट ए एम यानी ये जो है सो इसके बराबर दिया गया है। तो प्रूफ कीजिए कि ए सी जो है और एम एन है एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। देखिए इन दोनों के बारे में सोचते हैं, ये बताओ कि पैरेललोग्राम है नहीं तो पैरेलल होगा, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा किससे, अल्टरनेट इंटीरियर से, साइड तो बराबर दे दिया है ना, सोचो कैसे बोल रहे हैं। तो लिख दे एंगल ओ ए एम, ओ ए एम बराबर होगा ओ सी एन का, कैसे बराबर होगा, तो हम बोलेंगे
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसी प्रकार ए एम और सी एम क्या है बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ए एम और सी एम बराबर है कहां से, तो गिवन से। अब बताओ ये वाला एंगल और ए एंगल क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर से बराबर, तो ए एम ओ यानी ए एम ओ बराबर होगा सी एम ओ का, बोला होगा ना। और जैसे होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ए एस ए से क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। इसलिए अगर हम देखें सीपी सीटी से तो इसके सामने वाला ओ ए तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये वाला एंगल, तो इसके सामने कौन सा ओ सी क्या हो जाएगा बराबर। इसी प्रकार से इसके सामने वाला ओ एम तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये, इसके सामने वाला ओ एम क्या हो जाएगा बराबर, तो ओ एम किसके बराबर ओ एम। और जब बराबर है इसका मतलब कि ओ पॉइंट है वो क्या किया होगा उसको बाइसेक्ट किया होगा। कोई दिक्कत ठीक है, नेक्स्ट वीडियो।